गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान है वो एक देश की एक प्रथम जरूरत प्रथम आवश्यकता क्यों है, संविधान है वो किसी देश के शासन संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है, इसके साथ ही क्या है कि जो शक्तियाँ हैं जो सरकार है वो किस प्रकार से निर्माण उनका होता है और किस प्रकार से उनको शक्तियाँ मिलती है। तो प्रमुखतः संविधान के द्वारा क्या है कि सरकारों को शक्तियाँ प्राप्त होती है और अच्छी सरकार वह सरकार होती है जो जनता के हित के लिए, जनता के लाभ के लिए, जनता के विकास के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाती है। महत्वपूर्ण कानून बनाने के साथ साथ सबको समान रूप से क्या है कि सुविधाएँ मिले, लाभ मिले, ये भी कार्य क्या है सरकार का है। लेकिन एक अच्छी सरकार वो सरकार होती है जो सभी को साथ में लेके, सभी को साथ के विकास को लेके चले। लेकिन कई बार क्या है कि ये सरकारें अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। कर्तव्य से विमुख होने का कारण क्या है कि ये अपने लाभ के लिए कार्य करने लग जाती है, जबकि इनका उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज के विकास की ओर ध्यान देना। तो आप आज हम इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है कि व्यक्ति के अधिकार आएंगे और अधिकार है वो व्यक्ति के किस प्रकार से जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और सरकार के ऊपर क्या है कुछ सीमाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है संविधान का जो तीसरा काम क्या है हमारे चैप्टर के अंदर, संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में प्रमुख हम बात करेंगे। बात आती है नागरिकों पर लागू कानून पर कुछ सीमाएं, नागरिकों पर जो है कानून उन पर कुछ सीमाएं हैं, यानी सीमाएं यानी कुछ प्रतिबंध है, कुछ नियंत्रण है। अगर हम नागरिकों को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दें, पूर्णतः उन्हें स्वतंत्रता दे दें, तो वो क्या करेंगे कि दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाएंगे, दूसरी स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। इसलिए उन पर कुछ सीमाएं कुछ प्रतिबंध जरूरी है। सीमाएं मौलिक होती है। अब ये जो सीमाएं हैं ये मौलिक होती है, मौलिक का मतलब हो गया कि सभी के लिए समान रूप से होती है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले लोगों पर, सभी पर समान रूप से ये सीमाएं लगी होती है, ताकि एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो सके, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो सके। बात आती है सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब कुछ सीमाएं हैं, कुछ अधिकार है व्यक्तियों को, तो सरकार है उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार का प्रमुख दायित्व है जनता के विकास से संबंधित कार्य करना, तो सरकार है जनता को अहित करने कार्य नहीं कर सकती। सरकार है वो व्यक्ति के जो अधिकार है उनको रोकने कार्य नहीं कर सकती। तो इस पर सरकार पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बात आती है संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान है वो किसकी शक्तियों को सीमित करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। क्योंकि मान लो कि सरकार के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया गया, प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो सरकार ऐसे कानून बनाएगी, ऐसे नियम बनाएगी जिसके कारण क्या है कि देश की जनता का क्या होगा कि नुकसान होगा, देश की जनता का विकास नहीं होगा। लेकिन संविधान क्या करता है कि सरकार की ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए सरकार पर कुछ सीमाएं लगा देता है, कुछ प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण वो अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अच्छे कानून बनाए और अच्छे कानून के साथ समाज के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका दे। बात आती है नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट। हमारे देश के संविधान में या दूसरे देश के संविधान में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। मौलिक अधिकार इसलिए स्पष्ट किए गए हैं कि व्यक्ति के कौन से स्वतंत्रताएं उसको मिली हुई है और स्वतंत्रता का वह उपयोग है, इस्तेमाल है, वो किस प्रकार से कर सकता है। ये किसी एक व्यक्ति को स्वतंत्रताएं नहीं दी गई, ये समस्त देशों के संविधान में क्या है प्रमुखता देखने को मिलती है और उसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था है वो स्पष्ट रूप से कही गई है। और ये अधिकार व्यक्ति के विकास से संबंधित जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित होते हैं। बात आती है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख बात आती है कि संविधान ने जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं उस सुविधाएं प्रदान की है, इन सुविधाओं का, इन अधिकारों का सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती क्योंकि अगर उल्लंघन करती है, प्रतिबंध लगाती है, तो क्या है व्यक्ति से उसके मौलिक अधिकार छीन जाएंगे और मौलिक अधिकार छीनना एक प्रकार से गैरकानूनी होता है। तो सरकार क्या है कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित नहीं कर सकती, उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती।
बात आती है अधिकारों का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित। हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में जो हमारे देश में मौलिक अधिकार थे और वर्तमान जो मौलिक अधिकार है उसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि क्या है कि समय के साथ, आवश्यकताओं के साथ, परिस्थितियों के साथ इन मौलिक अधिकारों की कुछ स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन क्यों होता है? वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रख के क्या है कि इन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। और इस प्रकार से हमारे संविधान में और दूसरे देशों के संविधान में भी क्या है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से किया गया है। क्योंकि क्या है, स्थितियां परिवर्तित होती है, समय परिवर्तित होता है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, जरूरतें बढ़ जाती है और कुछ नए नए तकनीक और विधि आने के कारण क्या कुछ हमें नए कानून का निर्माण भी करना पड़ता है। कुछ जो जिनका महत्व कम है, जिनका महत्व कम है, घट गया है, तो उनको हटा भी दिया जाता है, उनको संविधान के अन्य भागों में सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे अपना संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था प्रारंभ में भारत में वो इसके अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित था, लेकिन बाद में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको। बात आती है अधिकतर संविधानों में मौलिक अधिकार उपस्थित। ये बात हम सिर्फ भारत देश की ही नहीं कर रहे, भारत के जो अलावा अन्य देश है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, तो ये बहुत सारे जो देश है इनमें हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यहाँ संविधान के साथ साथ क्या है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी दी गई है, व्यवस्था की गई है ताकि जनता क्या है कि एक प्रकार से सुविधाओं से सुरक्षित रह सके, उसकी सुविधाओं का, उसके अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सके और अतिक्रमण होता है तो उसको सुरक्षा मिल सके। बात आती है मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि कई बार सरकार ऐसी सरकार निर्माण हो जाती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेती है। तो सरकार क्या है कि मनमाने ढंग से यानी अपनी इच्छा के अनुसार क्या है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो उसको किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है उसको जानने का अधिकार है। इसके साथ साथ उसको सीमित समय में जो निर्धारित किया गया समय उसके समय में उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ये बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो मिली है, सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, दूसरे देश के नागरिकों के लिए नया नहीं है। बात आती है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों पर जो सीमाएं हैं वो प्रमुखतः कौन लगाता है? व्यक्ति विशेष नहीं लगाता। संविधान में कुछ नियम कानून बने हुए हैं जिसके तहत, जिसके दायरे के तहत क्या है सरकार को काम करना होता है। और सरकार अगर किसी दायरे का, किसी नियम का उल्लंघन करती है तो संविधान द्वारा उसका, संविधान का उल्लंघन होने के कारण उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त। नागरिक है उनको कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ये मौलिक स्वतंत्रता किस संबंधित होती है? व्यक्तियों के विकास से संबंधित होती है और ये किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर नहीं मिलके सभी व्यक्तियों को क्या है समान रूप से मिलती है, समान रूप से सबको प्राप्त होती है। बात आती है भाषण की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने देश में रहता है उसको भाषण की स्वतंत्रता है यानी वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। विचारों को प्रकट करने पर रोकने पर किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उनकी जो मन की इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार है वो प्रकट कर सकता है, इसको क्या कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता कहते हैं। बात आती है काम करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, उसमें जो गुण है उसके आधार पर उसको काम करने की स्वतंत्रता है और वो काम है वो कहीं भी कर सकता है। जैसे भारत के व्यक्ति की बात करें तो भारत में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर कार्य कर सकता है और उसमें योग्यता हो तो किसी भी कार्य को कर सकता है। उस पर किसी प्रकार के कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, किसी भी स्थान पर कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके साथ ही स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हम देखते हैं कि संगठन बनाने का अधिकार है। व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, वो अपना एक संगठन बना सकता है, अपनी इकाई बना सकता है, किसी संगठन की स्थापना कर सकता है, लोगों को उसमें जोड़ सकता है, संगठन अपने विचारों से संबंधित हो सकता है, किसी प्रकार धर्म से संबंधित हो सकता है, तो ये बनाने का अधिकार भी उसको दिया गया है। बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित अधिकार। एक प्रमुख जो वजह है जिसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध किया जा सकता है, वो समय होता है राष्ट्रीय आपातकाल का। राष्ट्रीय आपातकाल में व्यक्ति की कुछ अधिकारों में नियंत्रित किया जा सकता है, कुछ अधिकारों को कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है, लेकिन जो बुनियादी अधिकार है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनको प्रतिबंध करने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल को हम क्या है कि देश का आपातकाल भी कहते हैं। बात आती है कि मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार
वे अधिकार है जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं। मौलिक वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है, विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, किसी प्रकार का हो, सभी के लिए समान रूप से प्राप्त होते हैं। बात आती है मौलिक अधिकार लिखित या अलिखित हो सकते हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो संविधान है विभिन्न विभिन्न देशों के, उन संविधानों में हम देखते हैं कि कुछ तो लिखित संविधान है और कुछ अलिखित संविधान है। तो हम बात करते हैं भारत के संविधान की। भारत का संविधान लिखित संविधान है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हर प्रकार के अधिकारों का व्यक्ति के वर्णन स्पष्ट किया गया है। बात आती है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है। ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में तो है, लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो प्रमुख तक किया गया है, और व्यक्ति के 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में बताए गए हैं। अब बात करते हैं हमें एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की अपने, वो है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। आकांक्षाएं यानी होती है जो इच्छाएं होती है, जो लक्ष्य होते हैं, ये प्रमुखता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। समाज है वो किस प्रकार से, कुछ इच्छाएं उसकी होती है, कुछ उसकी मन की भावनाएं होती है, और कुछ उसके लक्ष्य होते हैं, तो कुछ किस प्रकार से इनको पूरा किया जाए। बात आती है संविधान द्वारा निर्णय निर्माण की शक्ति का वर्णन। संविधान है उसके द्वारा निर्णय निर्माण की शक्ति का वर्णन किया गया है। किसी भी कार्य को करने से पहले जो विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं या सरकारों के जो पद हैं, उसमें किसी भी बात को लेके, किसी भी विषय को लेके गहन रूप से अध्ययन किया जाता है, और गहन रूप से अध्ययन करने के बाद में जो विषय है उस पर निर्णय लिया जाता है कि कौन सा उचित है और कौन से अनुचित है। अब अनुचित और उचित का भेद करने के बाद में जो निर्णय लिया जाता है वो उचित निर्णय होता है। उचित निर्णय क्या है कि सबके विकास से संबंधित होता है, तो इसमें निर्णय लेने में कुछ समय भी लग सकता है, और विषय अगर सरल हो तो जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन सोच समझ के जो निर्णय लिया जाता है प्रमुखतः सरकारों के द्वारा, वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। बात आती है सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध। कई बार हम देखते हैं कुछ देशों के संविधानों में कि सरकार है वो तानाशाह होती है, और तानाशाह होने कारण क्या होता है कि वह जनता के अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाती है, जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। तो इस कारण जरूरी है कि सरकार को इतने अधिक स्वतंत्रताएं न दी जाए कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने लग जाए, व्यक्ति के अधिकारों को बीच में बाधा उत्पन्न करने लग जाए। तो इस प्रकार सरकार में प्रतिबंध होना भी प्रमुखता आवश्यक बताया गया है। भारतीय 20वीं शताब्दी का उदाहरण। अब हमें ये तो बात करते हैं 20वीं शताब्दी, पहले की बात की वर्तमान स्थिति की 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी का जो एक महत्वपूर्ण हमें उदाहरण मिलता है वो मिलता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान है उसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विभिन्न प्रकार जो अधिकार है, और सरकार को कैसे नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, वो सारी विशेषताएं क्या है भारतीय संविधान में प्रमुखता सम्मिलित की गई है। बात आती है सक्षम में मजबूत स्थिति प्रदान करना। जो भारतीय संविधान है वो सरकार को प्रमुखता क्या है सक्षम और महत्वपूर्ण मजबूत स्थिति प्रदान करता है, ताकि वो समाज में शासन व्यवस्था उचित तरीके से बनाए रखे, शासन का उचित रूप से संचालन कर सके, और लोगों के जो अधिकार है उसको सरकार किसी प्रकार से क्या है नियंत्रित नहीं कर सकती, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। बात आती है सरकार द्वारा सकारात्मक कार्य करना। सरकार जो निर्णय लेती है, जो कार्य करती है, जो नए सिद्धांत बनाती है, वो क्या है कि सकारात्मक यानी उचित सोच के साथ बनाए जाते हैं, उचित विकास के साथ बनाए जाते हैं, जनता के विकास को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो जनता जो कार्य करती है वो उचित पॉजिटिव सोच के साथ प्रमुखता कार्य करती है। बात आती है समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्य की अभिव्यक्ति। सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, कार्य का जो निर्माण किया जाता है वो प्रमुख रूप से किससे संबंधित होता है, प्रमुख संबंधित होता है समाज की जो क्या इच्छाएं हैं, समाज क्या चाहता है, समाज का विकास कैसे होगा, समाज में रहने वाले लोग क्या है, उनको किस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करवाए, इस प्रकार के कार्य क्या है सरकार के द्वारा प्रमुखता किए जाते हैं। बात आती है भारतीय संविधान द्वारा नए प्रयोग। हम देखते हैं समय के साथ, आवश्यकताओं के साथ स्थितियां परिवर्तित हो रही है। स्थितियां परिवर्तित होने के साथ साथ क्या है कि भारतीय संविधान भी नए प्रयोग करता है, नए चीज़ों को अपनाता है, और जो चीज़ कम महत्व की हो गई है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको हटा देता है। तो भारतीय संविधान में प्रमुख कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी क्या है संविधान में कुछ संशोधन किए जाते रहे। बात आती है समाज में असमानताएं गहरी खाई। समाज में हम देखते हैं असमानताएं व्याप्त है। समाज के कुछ लोग तो क्या है गरीब है, समाज के कुछ लोग क्या है अमीर अधिक है। समाज में देखते हैं कुछ वर्ग के लोग हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं।
समाज में हम देखते हैं कि सुविधाएं सबको समान रूप से प्राप्त नहीं है, तो ये जो गहराई है क्या असमानता है, इसको दूर करने का प्रमुख कार्य किसका होता है? सरकार का, जो भारतीय संविधान द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। बात आती है सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध उचित नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर सरकार पर हम प्रतिबंध लगा लें, सरकार पर अपन नियंत्रण लगा लें, तो क्या होगा प्रमुखतः कि सरकार उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। अगर सरकार को हम नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो वो उचित तरीके से निर्णय नहीं ले पाएगी, सकारात्मक कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि सरकार को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी जाए कि वो अतिक्रमण करने लग जाए जनता के अधिकारों का। बात आती है सरकार को समर्थ व शक्तिशाली बनाना। अब एक प्रमुख उद्देश्य होता है संविधान का कि सरकार को समर्थ यानी उसको ऐसी शक्ति दिया जाए, उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए कि जो उससे मांग की गई है, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य है सरकार के, वो पूर्ति हो सके। और पूर्ति कब हो जाएंगे? जब संविधान के द्वारा कुछ उसको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, विशेष कुछ उद्देश्य उसको प्रदान किए जाएंगे, तब क्या है कि वो सरकार है वो समर्थ होगी और शक्तिशाली होगी, जिसके कारण क्या है समाज व्यवस्था बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात आती है असमानता और गरीबी का समाधान करना। अब सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि समाज में जो असमानताएं व्याप्त है, समाज में हम देखते हैं गरीबी अमीरी खाई पाई जाती है, लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं, उन असमानताओं को दूर करना। और उसके साथ साथ क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, जिनको क्या है कि उचित समय पे उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी क्या है सरकार को प्रमुख कार्य करना है ताकि समाज में असमानता समाप्त हो सके, उसके साथ साथ समाज में जो गरीबी है उसको भी प्रमुखता समाप्त किया जा सके।